ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर टॉपिक कॉनिक सेक्शन अंडर सब टॉपिक सर्कल्स. इफ द सर्कल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू बी वाई प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो टचेज ईच अदर, देन प्रूव दैट वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वेयर. तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है, जर्नल जो फॉर्म होती है इसकी, वो क्या है हमारी, x माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. यहां पर या आप देखो कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, यहां पर x माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर. ये r हमारा रेडियस होता है और ये एच और के जो होते हैं हमारे, ये होते हैं सेंटर. ओके बेटा, अब यहां पर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले यहां से हमने ले लेना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. यहां पर देखो ये और ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ये इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. ओके बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना लो, कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड जो टेंथ में भी पढ़ा है. क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स कर लो प्लस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर, आगे ऐसे ही रहेगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. ओके बेटा, अब ये क्या बन गया आपका, एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर और कॉन्स्टेंट जो फ्री फ्रॉम एक्स और वाई हैं वो आ जाएंगे ये. इसको मैं और सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर, वाई को मैं लिख सकती हूँ वाई माइनस जीरो का होल स्क्वेयर और ये कॉन्स्टेंट है, इसको उठा के इधर ले आओ तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. ठीक है, इतना क्लियर है. अब देखो बेटा ये जो x माइनस, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो सेंटर क्या होगा यहां पर, सेंटर या अगर मैं बोलूं c1 तो क्या होगा, इसके साथ कंपेयर करें तो इक्वेशन में माइनस आना चाहिए ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस ऑफ माइनस a, तो सेंटर क्या आ जाएगा यहां पर, a माइनस a और यहां का जीरो. तो देखो माइनस a कॉमा जीरो, ठीक है, और इसको कंपेयर करूं तो ये आर स्क्वेयर है, तो आर स्क्वेयर मेरे पास क्या है, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. तो अगर इसको R1 ले लो, फर्स्ट सर्कल का कर रहे हैं, तो अगर मुझे R1 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी माइनस सी स्क्वेयर. आई होप यहां तक क्लियर है. ठीक है, सिमिलरली जो हमने इस इक्वेशन के लिए किया है, सिमिलरली जो दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, यहां पर मैं पैरेलली इसके लिए भी कर लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू बी वाई प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. अब देखो यहां पर y और y ये क्वाड्रेटिक है ना कि x में है, तो x को एज इट इज रहने दो, इसको मैं ऐसे कर लू, x को एज इट इज रहने दो और इसका परफेक्ट स्क्वेयर बना लेते हैं, टू बी वाई प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस, अब ये परफेक्ट स्क्वेयर बन जाएगा तो ये आ जाएगा y प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो. ओके, इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस जीरो का होल स्क्वेयर y प्लस बी का होल स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. अब फिर से इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, सेंटर क्या बनेगा, c2 यहां पर जीरो माइनस बी और रेडियस r2 क्या बनेगा, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. ठीक है, यहां से r2 निकालना होगा तो वो क्या मिल जाएगा हमें, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. ठीक है, आई होप इतना क्लियर है. हमें सेंटर मिल चुका है फर्स्ट सर्कल का माइनस ए कॉमा जीरो, सेकेंड का सर्कल मिल चुका है जीरो कॉमा बी, फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमें मिल चुका है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और सेकेंड सर्कल का रेडियस मिल चुका है आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. ओके, अब अगर हमें सी वन सी टू निकालना है, C1 C2 मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ये वाला माइनस ए माइनस जीरो का होल स्क्वेयर प्लस जीरो माइनस ऑफ माइनस बी मतलब प्लस बी का होल स्क्वेयर. तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, ये दोनों सर्कल्स का हमने डिस्टेंस निकाल लिया उनके सेंटर्स का. ओके, यहां तक क्लियर है. नाउ अब क्या बोला उसने मुझे कि जो बोथ द सर्कल्स हैं, बोथ द सर्कल्स टचेस,
दोनों सर्कल जब टच करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका जो सेंटर्स का डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, उनके रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा। अब ये हमने निकाल दिया, अभी कितना आया मेरा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और रेडियस वन हमने अभी निकाला था, ठीक है, कितना था वो था हमारा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और दिस इज प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता भी देती हूँ, ये हमने निकाला था ये रेडियस टू अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और रेडियस वन हमने यहां पर निकाला था अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ओके। तो ये हमने दोनों यहां पर लिख लिए। अब चूंकि यहां सब जगह रूट्स दिख रहे हैं तो हम कर लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है बेटा। यहां पर हमने किया तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और यहां पर जब करोगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको होल स्क्वेयर अलग और इसका स्क्वेयर अलग, वो चीज गलत हो जाएगी। जब हमने स्क्वेयरिंग करनी है ना तो हमने अलग अलग टर्म्स पे नहीं करनी होती है, पूरी की पूरी जो भी यहां पर जितनी भी टर्म्स है सब पे इकट्ठी जाती है स्क्वेयरिंग। यहां पर ये एक ही टर्म थी, इसको स्क्वेयरिंग कर लिया, और यहां पर हमने क्या कर लिया, ए माइनस सी का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और यहां पर आ जाएगा हमारा होल स्क्वेयर, ओके। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको अपने मन में a मान लूं, इसको अपने मन में b मान लूं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया और मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर मैं करूंगी तो ये क्या मिलेगा मुझे, ये मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बता रही हूं बेटा, ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर इसके साथ रूट के साथ गया, ये स्क्वेयर रूट के साथ गया, ये मुझे मिल जाएगा ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और ये मिल जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा प्लस टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब देखो ये ए स्क्वेयर गया, बी स्क्वेयर गया, और ये सी स्क्वेयर माइनस टू सी स्क्वेयर, इसको मैंने इधर लिख लिया माइनस टू सी स्क्वेयर, सॉरी ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डॉट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब ये टू और टू भी खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अभी भी रूट है तो क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मल्टीपल है यहां पर कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, सीधा इसको स्क्वेयर करेंगे सी का स्क्वेयर, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट खत्म, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट खत्म, कर लो ये आ जाएगा कितना, सी की पावर फोर करो मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, फिर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर और प्लस सी फोर, ठीक है, ये और ये हो गया खत्म, ठीक है। अब क्या है, नेगेटिव वाले इधर ले आओ, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों नेगेटिव थे, इनको हम इधर ले आए तो ये पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, इन दोनों में सी स्क्वेयर कॉमन दिख रहा है तो ले लो सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर को रहने दो इधर, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे सी स्क्वेयर नीचे चाहिए तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, मतलब इसको मैं उल्टा करके लिख सकती हूँ ऐसे, और ये भी उल्टा हो जाएगा तो सी स्क्वेयर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो ऐसे, ए स्क्वेयर को एक बार डिवाइड कर लो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर का डिवाइड कर लो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर कैंसिल, यहां पर क्या बचा, वन अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वेयर। तो इसको अरेंज करके लिख लेंगे, वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन ऑफ वन अपॉन सी स्क्वेयर, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है, ओके।